सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सो बात करते हैं सबसे पहले आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम की। तो मेरा एग्ज़ाम जयपुर में फर्स्ट शिफ्ट में था 20 फरवरी को, और सबसे पहले खुला रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन खुलते ही सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे सामने कि चार चार अल्फ़ाबेट के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और जिसमें उनमें से जो भी है वो निकालना है। तो पहला ऐसा क्वेश्चन आया, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पज़ल का। वो पज़ल का क्वेश्चन ऐसा था कि एक लाइन में आठ लोग बैठे हैं, कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। तो क्योंकि नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, डबल फेसिंग का है, तो फिर मैंने उसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, फिर आया हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो डायरेक्शन काफ़ी बड़ा था, वो तीन क्वेश्चन थे लेकिन बड़ा काफ़ी था, 20, 13, 18 और बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था। पर वो सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने, पर वो लास्ट में गया था। उसके बाद एक पज़ल और आई थी, उस पज़ल में था कि आपको 5 मंथ दे रखे हैं और 7 और 28 तारीख का डेट है, 5 मंथ है, 10 लोगों को बिठाना है। पहले मैंने वो किया, वो मुझसे हुआ नहीं। एन और बी के बीच में 2 लोग थे और मतलब वो मुझसे हुआ नहीं। पर मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ हिंट मिस कर दिया हो, तो मैंने तुरंत उस क्वेश्चन को वापस पढ़ा और उसको बना लिया। मुझे लगता है कि मेरा एक मिनट तो नहीं, मतलब 20 से 25 सेकंड जो है वो उस क्वेश्चन में इस वजह से ख़राब हो गए कि मैंने उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने तुरंत उसको एक एक लाइन मैच कर करके बना दिया, वो सही बन गया मेरा। बाद में एक क्वेश्चन आया था पजल का जिसमें पोस्ट थी कि पियोन से लेकर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ऐसे करके 8 पोस्ट थी और उसको बनाना था। तो उसमें डी बी बी और ये सब मतलब इस तरह का था, मुझे अभी पूरा की पूरा लाइन याद नहीं है। और एक और था जिसमें मंडे न्यूज़ नहीं था, एक तो ये हो गया पोस्ट का हो गया, एक मंथ का हो गया, एक लाइन वाला हो गया और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो था, वो तो इजी था। तो मतलब तीन पज़ल, चार में से तीन पज़ल किए मैंने, 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। और उसके अलावा एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो वो टेक्निक ना वाला था जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से चेक करते हैं कि कितने लोग मतलब कितने नंबर हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, वो छोड़ दिया मैंने। एक आया था, एक वर्ड था जिसमें अपने को सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ वर्ड छाटने थे और उसको लेके उसमें से जो चार वर्ड का लेटर बन रहा है उसमें से सबको एक बार यूज़ करके कोई एक लेटर बनाना था। तो मेरा ट्रिम आ रहा था TRIM और उसमें लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे जो लेटर है R वो टिक करना था। और ये था, उसके अलावा कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे। सिलॉग्स बहुत सारे आए थे, करीब 5 से तो ज़्यादा ही आए थे, 6 आए होंगे। और इनइक्वालिटी आई थी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कम थे, 4 थे। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन थे, तो मैंने 29 कर दिए, 5 क्वेश्चन इसलिए मिस हो गए क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो 35 में से 29 कर दिया मैंने। अब चलते हैं मैथ सेक्शन की तरफ। तो मैथ में जब पहला क्वेश्चन आया तो वो अप्रोक्सीमेशन का था, और अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा आया था, मतलब कैलकुलेटिव अप्रोक्सीमेशन जो बोलते हैं वो आया था। तो बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव वाले अप्रोक्सीमेशन, बड़ी बड़ी डिजिट वाले, छोटी डिजिट नहीं, बड़ी डिजिट वाले अप्रोक्सीमेशन आए थे, वो काफ़ी सही थे। और उसके अलावा एक भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया, वो सबसे अच्छी बात हुई। और उसके बाद में एक पज़ल आया, नहीं एक सॉरी एक DI आया था जिसमें कि एक टोटल दे रखा है, यानी एवरेज दे रखा है मोबाइल और लैपटॉप का, और उसके बाद मोबाइल और लैपटॉप का डिफरेंस दे रखा है। तो एवरेज का डबल करके और मोबाइल लैपटॉप का डिफरेंस में ऐड करके, क्योंकि नंबर ऑफ मोबाइल ज़्यादा थी लैपटॉप से, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। उसके 5 क्वेश्चन थे। एक और DI थी जिसमें लाइन ग्राफ थी और रेशियो था एक्स और वाई का, कार सोल्ड का एक्स और वाई का रेशियो था और लाइन बनी हुई थी, तो वो भी काफ़ी ईजी था। तो ये क्वेश्चन अच्छे थे। पर DI में एक जो लैपटॉप वाला क्वेश्चन है, उसमें एक लैपटॉप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ था, सेटअप उसकी लैंग्वेज अच्छी थी, तो मैंने उसको छोड़ना पड़ा। उसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे सारे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मतलब कैलकुलेटिव था, अगर कोई फर्स्ट टाइम देखेगा तो मतलब ऐसा क्वेश्चन मॉक्स में आता नहीं है कि 126 लीटर का मिक्सचर था जिसमें 4:3 का रेशियो था मिल्क और वाटर का, अगर एक्स लीटर मिला दिया जाता है और वो उसके प्रीवियस मतलब लैंग्वेज जो क्वेश्चन की थी वो बहुत अच्छी थी, जो पहला जो मिक्सचर है उसके मिल्क से 9 ज़्यादा अगर ये आता है तो कितना डिफरेंस होगा। और अगर किसी ने अपनी एक्स का, और एक क्वेश्चन था कि एक्स नाम की इनकम है जिसमें से 50% इसको दिया, 30% इसको दिया, वो क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। उसके अलावा पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और ये सब का क्वेश्चन था, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हो नहीं सकते थे टाइम में, तो मैंने उसमें किया 28 क्वेश्चन। आई विश कि मेरी अगर अप्रोक्सीमेशन अगर थोड़े छोटे आए होते साइज़ में
तो मेरे दो क्वेश्चन और हो चुके होते हैं, तो मैंने इसमें 28 किया, तो रीजनिंग में 29, मैथ्स में 28, इंग्लिश में चले तो इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया, इंग्लिश में 26 क्वेश्चन किए मैंने, टोटल मिला के मेरे 83 क्वेश्चन हुए हैं 100 में से, और क्वांट रीजनिंग का देखा जाए तो 57 क्वेश्चन हुए हैं। तो इंग्लिश में था कि एक सेविंग के ऊपर कि आप रिटायर जल्दी हो जाते हैं, कुछ आजकल के लोग रिटायर जल्दी होते हैं या नहीं होते हैं, तो किस तरह के रिटायरमेंट, और एक बुक है यू अर्न यू लूज करके कोई बुक के ऊपर ऐसा वहाँ से डिराइव करके ये लिखा हुआ था पूरा की पूरा, टाइप थ्री टाइप्स के रिटायरमेंट प्लान होते हैं और इस तरह का कुछ था। तो ये चीज़ें थी, पर उसमें 9 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े और बाकी पूरा पैसेज कर दिया। उसके अलावा वर्ड फिलर्स थे कि आपको, नहीं वर्ड फिलर्स नहीं सॉरी पैराजम्बल भी नहीं, वो था मतलब जम्बल्ड सेंटेंस थे, नीचे ऑप्शन थे सी ई बी डी ए बी सी डी ई और ऐसे करके नो करेक्शन रिक्वायरमेंट और इस तरह के, तो आपको वो सेटल करना था। एरर आए हुए थे, एरर के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, एरर के 3 क्वेश्चन थे, लास्ट के 34 35 33 34 35, और उसके अलावा ये एरर हो गया सिलो सॉरी सिलो फ्यू एरर हो गया 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 6 क्लोज टेस्ट भी आया था 6 नंबर का ए बी सी डी ई एफ, और एरर भी हो गया, और फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, और एक कैरियर नाम का एक वर्ड था जिसके हिसाब, कैरियर और ट्रीट नाम के दो वर्ड थे जिसके हिसाब से 3-3 सेंटेंस दे रखे थे कि कैरियर से ये 3 सेंटेंस हैं इनमें से कौन सा सूट कर रहा है, और ट्रीट के नाम से ये 3 सेंटेंस हैं इनमें से कौन सा सही जगह इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड, वो था। तो इस तरह का ओवरऑल पेपर था। तो ये हमारा पूरा रिव्यू एनालिसिस, अगर क्वेश्चन बात की जाए नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में होना बहुत मुश्किल है, मतलब 50-50% चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि ना इसमें वो नहीं आया था, कैसलेट भी नहीं आया इसमें, अपना नंबर सीरीज भी नहीं आया, तो थोड़ा मुश्किल है कि मैथ साइड में होगा नॉर्मलाइजेशन। तो मैथ तो मुझे लग रहा है कि मेरी ही स्पीड कम थी, इस वजह से मेरे से 28 हुए हैं, और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन रीजनिंग थोड़ा सही था, रीजनिंग ऑन मतलब ईजी टू मॉडरेट था, मैथ सही था लेकिन थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, इंग्लिश सही था, लेकिन उसका जो पैसेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट प्लान वाला, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अच्छा था, वो लंबा भी बहुत था लेंथ में, तो आई थिंक कि 50-50% चांस है नॉर्मलाइजेशन का, और इससे अच्छा पेपर मतलब मैंने अभी तक तो नहीं दिया, मतलब बहुत अच्छा अटैम्प्ट करा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे 60 तो अगर अटैम्प्ट हो जाते तो 60 में मैं खुश रहता, 60 होने चाहिए थे, लेकिन 57 रहे हैं, और अब ये कितनी जाती है कट ऑफ पता नहीं, हो सकता है क्योंकि पिछले साल बहुत पहले हुआ था, 2019 में हुआ था शायद, और अब 2023 आ चुकी है, तो क्योंकि लेवल बढ़ चुका है तो हो सकता है कट ऑफ गिर जाए, ज़रूरी नहीं है, तो देखते हैं कि कैसा जाता है पेपर। लेकिन तब तक के लिए आपसे मिलते हैं, अभी तो जयपुर में हूँ मैं, तो अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा, जल्दी काफ़ी है, तो मिलते हैं आपसे, बाय।